Hi, this is Sara Khan. Install Hum TV app for amazing content. जो छोड़ के मैं चल रहा हूँ मैं बहुत अकेला हूँ। मुझे अपना लो, मुझे थाम लो। वो फुटनी दिलराज का भाई ना पुलिस लेकर आ जाएगा और ये तेरे बच्चे को लेकर भाग जाएगी और तू जेल में चक्की पीसेगा चक्की। ऐसी भी बात नहीं है बेबे, मेरी भी बड़ी जान पहचान है। हाँ। पागल तो नहीं हो गया? वो क्या कर रहा है तू? हैं? भाई तूने दोबारा पाकिस्तान का नाम लिया तो। छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन अगर मैं कहूं कि तुम राबिया को मेरी बेटी बना लो तो कैसी बातें करती हैं आप? राबिया तो आप ही की बच्ची है। ये मेरा पाकिस्तान, मेरा मुल्क, मेरा वतन, मेरा पाकिस्तान। अरे जब्बार भाई इधर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफर कैसे गुजरा? शुक्र अल्लाह। राशिद आज़रा मेरे साथ चलो। कहाँ? वो कुछ रिसाले वगैरह लेकर आते हैं ना। अरे आप तो जा रही हैं, मैं ले आता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं खुद ले आऊंगी। तुम्हें कुछ चाहिए? अच्छा चलो, आओ चलो चलो। अरे चलो। अच्छा, अब आप हमारी तरफ आएंगे ना? मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेले रह जाऊं। मुझे छोड़ मत जाओ। मैं आपको खत लिखती रहूंगी। मेरे साथ भी तो नहीं होगी? वो हमें कोई देख लेगा।
मुझे अब किसी की फिक्र नहीं। मेरा जी करता है मैं तुम्हें यहां से दूर ले जाऊं, जहां सिर्फ तुम हो, सिर्फ मैं हूं, ना लोग, कोई हमारे पीछे ना आ सके। मैं आपसे हमेशा प्यार करती रहूंगी और हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। हजार बार बोला है कि बच्चों के रिसाले लाया करो, फिर भी रिसाला नहीं आया। इस बार तेरे अब्बा को शिकायत लगा के छोड़। ट्रेन आती ही होगी। हाँ बेटा, तुम अब के अपनी अम्मा को लेकर कराची जल्दी आओ। जी बिल्कुल। वो प्यार देता जी बिल्कुल। उठो बहन, यहाँ आ जाओ। नहीं, मुझे अपने वतन की पाक मट्टी को चूमना है। मुझे चूम लेने दो मेरे वतन की पाक मट्टी को। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा पाकिस्तान। मेरे पाक और मुकद्दस भाई, तुम जानते हो ये कौन है? बच्चा नहीं, गाली है, गाली जो बसंत ने मुझे नहीं तुम्हें दी है। तुम्हें इसका बदला लेना होगा। गैरतमंद को मैं गालियां नहीं खाया करके अपनी आबरू पे मर मिटती है। उसने तुम्हारी बहन को गाली दी है। ये बेचारी हवास में नहीं है, इसका इंदराज दारुल अमान में कर ले। आओ बहन। कैसी तबीयत है इसकी? दो हफ्ते हो गए इसे आए हुए, बस थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती। अपने बारे में बताया कुछ? यही कि लुधियाना में किसी नसीरुद्दीन की बेटी है, और कुछ पूछो तो बदहवास हो जाती। डॉक्टर यही कह रहा था, इसे प्यार मोहब्बत, अच्छी गिदा और आराम की जरूरत है। इसका तो पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और अब रात को डर के जागती तो नहीं है ना? नहीं, जब से दवाई दे रहे हैं पूरी नींद सोती है। और बच्चे का ख्याल रख रही है? बच्चे पर तो इसका ध्यान ही नहीं, सारा दिन हो जाता बच्चे का पूछती नहीं। नाम बताया बच्चे का? नहीं, कह रही थी कि ये काली है। इसको इसके घर तो पहुंचाना होगा ना। चलो बात करूंगी मैं। कैसी तबीयत है बेटी? अपने घर में तो बीमार भी तंदुरुस्त हो जाता, मैं तो फिर भी ठीक थी। तुम्हारा यहाँ कोई अजीज है? यहाँ पे आके हर कोई मुझसे यही सवाल कर, तो यही कहती हूँ कि यहाँ तो हर कोई मेरा अपना, ये सारे लोग मेरे अजीज, मेरे अपने। ठीक कहती हो तुम, यहाँ सारे अपने हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी ना किसी के घर तो पहुंचाना है।
तो आप मुझे किसी के भी घर भिजवा दें, यहाँ मुझे हर कोई दिल में बिठाएगा। यहाँ पे परमवीर और बसंता थोड़ी है, यहाँ हर शख्स सलीम भाई और फहीम भाई है। हर औरत मेरी बीवी जैसी अजीब, मेरी माँ है। ये सब ठीक है, लेकिन ये तो मिली रिश्ते हैं। कुछ रिश्ते खूनी होते हैं, कुछ रिश्ते रूहानी। तुम्हारा कोई रिश्तेदार है यहाँ? कौन? का कोई पता ठिकाना, कहाँ काम करते हैं वो? फिर ड्यूटी ट्रैवल ड्यूटी। मुझे पहचान तो लेंगे ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं पहचानेंगे वो? नहीं, वो बहुत बदल गई हूँ। मेरा चेहरा, मेरे हाथ, ये देखो हर जगह से खून रिस रहा है। मेरे हाथ, मेरे पैर सारे खलीस हो के, नापाक हो के, पूरे जिस्म पे धब्बे हैं। ये देखो हर जगह धब्बे। आप जानती हैं सबसे बड़ा धब्बा क्या? सबसे बड़ा धब्बा ये। इस धब्बे को भी तोड़ा लोगे? इसको मार दो। नहीं बानू, तुम ऐसा नहीं करोगी। हाँ बानू, मैं सुंदर कौर नहीं हूँ, मेरा नाम बानू है। मेरा पूरा जिस्म नापाक हो गया, मुझे पाक कर दे, मुझे नहलाओ, मुझे पाक करो। मैं पाक होना चाहती हूँ, मुझे पाक कर दो, मुझे पाक, मुझे पाक कर दो। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, छठा दिन हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तुमने मुझे खुद ही कहा था कि उसने तुम्हें खत लिखा जिसमें बताया कि उसकी सहेली की शादी है, भूल गए? नहीं भूल, लेकिन कम से कम खत का जवाब तो दे दो। हसन तुम भी ना, मैं तो समझ रहा था कि तुमने फिर से जीना शुरू कर दिया, लेकिन तुम तो बिल्कुल ही मर मिटे हो। पता नहीं ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे दूसरे को कुछ आ रहा है। मैं ऐसे खोना नहीं चाहता। इंशाल्लाह नहीं खो, उसकी और मेरी मोहब्बत भी बड़ी अजीब है। जब भी उसे देखता हूँ ऐसे लगता है जैसे कुछ जुनून चढ़ गया। दिल करता है दुनिया की हर दीवार गिरा, हर हर दूर कर जाए। किसी और का एहसास ही नहीं है, ना दिल पे ना हाथों पे काबू है। ये इश्क है, ये पागल। ओ भाई साहब, मैंने इसमें बीए तक तो किया नहीं और तुम उससे पीएचडी के सवाल कर रहे हो। अच्छा खैर, एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मनाओगे? नहीं। क्या तुम बानों से भी? उससे तो रूह का रिश्ता था, एक ना टूटने वाला अजीम बंधन। ऐसे कुछ कहे बगैर कह दिया, उसकी मोहब्बत एक खुशबू थी, एक लतीफ भीनी भीनी खुशबू। उसका जुनून से कोई वास्ता नहीं, उसकी मोहब्बत को मिलाने थी हलाकत थी।
हलावत का मतलब समझते हो? हाँ भाई, समझता हूँ हलावत का मतलब। बहरहाल तुम्हारी मोहब्बत चाहे जमीनी हो या आपा, मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम दोबारा से नॉर्मल हो। अगर तुम्हारी इस हालत को नॉर्मल कहा जा सके तो अबे भाई तुम तो बिल्कुल ही बावले हो। चलो तुम्हें लस्सी पिला यार, दो लस्सी। रावलपिंडी के दफ्तर में तो कोई ऐसा हसन नहीं जो बानो को जानता हो। अलबत्ता एक हसन का तबादला हुआ है लाहौर को 5 साल पहले, शायद ये वही हसन। पता लिखा है उन लोगों ने? नहीं, उनको उसका पता मालूम नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें लिख दिया कि जितनी जल्दी हो सके उनका पता मालूम करके हमें लिखें। अल्लाह करे ये वही लोग जिनकी हमें तलाश है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, आबाद रहो। हसन डाक आई। क्या हुआ? ये तो सारे आपके हैं। इनके अलावा भी एक खत है। तुम नाराज मत होना, मैंने बिना तुमसे पूछे सुल्ताना से राबिया का रिश्ता मांगा था। आज उन्होंने हाँ कर दी। जीते रहो, खुश रहो, सदा आबाद रहो। खुदा तुम्हारी झोली खुशियों से भरे। सुल्ताना ने मंगने के लिए हमें कराची बुलाया है। तुम कब तक चल पाओगे? जब आप कहें। तो फिर मैं तैयारी पकड़ती हूँ। अरे बेटा छोड़ दो ना, ड्राइवर ले आएगा। छोड़ो यार, फिर करें। आइए आइए आइए, वेलकम। तो आजकल क्या मसरूफियत है? जी बस दफ्तर और घर। बस, that's all, very simple. नहीं, इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है भाई साहब। अंग्रेजी अदब से इसका कमरा भरा पड़ा है। जबरदस्त, अच्छा भाई। तो यार क्या पढ़ते हो, फिक्शन नॉन फिक्शन? जी मुझे अजीम वीरों की बायोग्राफीज में बहुत इंटरेस्ट है। ओह, तो किसकी सवाने उम्री पढ़ रहा है? अल्लाह छोड़िए भी, आप क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए? अभी थका हारा आया है, चाय वाय पी ले फिर कर लेंगे सारी बातें। I hope you didn't mind it. नहीं जी बिल्कुल, it's all right. राशिद नजर नहीं आ रहा, मैं उससे जरा मिला हूँ। भूल गए क्या? अभी तो भाई साहब ने बताया कि राशिद अपने दोस्त से मिलने गए, भूल गए? जी थकावट की वजह से शायद भूल गया। मेरा ख्याल है मैं थोड़ा आराम कर लूं। ये थकावट कैसी, मैं इस उम्र में नहीं थकी और तुम जवान बच्चे होके थक गए? कमाल है ये, दरअसल हसन शर्मीला बहुत है। शर्मीला? अरे तो ऐसी ऐसी तकरीरें करता था लुधियाने में कि कई लोग मुस्लिम लीग को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए। Thank you.
आखिर बहाना ढूंढ ही ले ना मुझसे ही मिलने का। मुझे डराने निकले थे और खुद ही डर गए। बाहर सब बैठे चाय पी रहे, कोई ऊपर नहीं आएगा। मम्मी ने मुझे आपसे मिलने से मना किया है। क्यों? आपको नहीं मालूम, हमारी मंगनी जो हो रही है इसलिए। क्या ये सब सही हो रहा है? क्या मतलब? वैसे आप खुश नहीं है क्या? मैं बहुत खुश हूं। आप सच बोल रहे हैं? झूठ बोलने की वजह भी तो कोई नहीं रही। मैंने आपके अलावा कभी किसी को नहीं चाहा, और ना कभी किसी ने इतने करीब आने की हिम्मत की। आप मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ कर आऊंगा। खाला कह रही कि कल आप जा रही। जाना तो है, रबिया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? मुझे तुमसे मंगनी नहीं करनी चाहिए थी। जी? सीधे शादी कर लेता तो बेहतर था। कल
खाला जान से बात करूं कि जाने से पहले हमारा निकाह तो पढ़वा दे। आप ना बात हो क्या है? हमें नहीं पता। बताओ क्या है? चोरी, कोई देख लेगा। पहले बताओ हम क्या है? बेशरम। और चलिए। अच्छा तो आपको लगा महज शरारत कर रहे हैं जनाब, अभी के अभी आपकी वालदा माजदा को उठाकर रुखसती की दरख्वास्त कर सकते हैं। जाएं? नहीं नहीं, खुदा रहे नहीं। क्यों, आपको हमसे शादी नहीं करनी क्या? नहीं, करना चाहती हूँ। क्या कहा आपको? हमसे शादी करनी है? तो फिर चलो मेरे साथ अभी के अभी शादी करके चलो। क्यों अकेला भेज रही हूं? मेरा तुम्हारे बजाय बिल्कुल दिल नहीं लगेगा। ये झुके झुके बल्कि ये खुले खुले कैसो खुदा की कसम हमें रात भर सोना नहीं दे। वादा करो मुझे हर दिन खत लिखोगे, मुझे बिल्कुल नहीं भूलोगे, हर रोज याद करोगे। हर रोज हर वक्त। मैं देखा कितनी डाक जमा होगी आज। क्या सारी सहेलियों को बता दिया था आपने? हाँ भाई, इतनी खुशी की बात थी क्यों ना बताती। ये ले आपके मुबारक नाम। ओहो, अब इन सब के जवाब देने पड़ेंगे क्या? चलें, आपको एक और मसरूफियत तो मिल गई। यहाँ पर रख दो। क्या हुआ हसन? हसन?
क्या बात है, क्या बात है हसन, बोल क्यों नहीं रहे? हसन किसका खत है? माना सकता है तुम्हें कैसे मालूम है किसका हाथ है हसन? बानो सिंधा, तकदीर चलाओ भाई, हिम्मत से काम लो हसन। कहां से हिम्मत लाऊं मैं, वो जिंदा है। कहां रही होगी इतने साल, क्या क्या सहा होगा उसने? इंशाल्लाह खैरियत से होगी। 5 साल से वो क्या क्या जुल्म सह रही थी, मैं यहां आराम कर रहा था। हसन ऐसा तो मत, तुमने पूरी कोशिश की है उसे ढूंढने की, वो काफी नहीं था। वो मेरी बानो है, अगर वो समंदर की तह में भी थी मुझे वहां से भी उसे ढूंढ के निकालना चाहिए था। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि वो तुम्हें मिल गई और खैरियत से। भाई जल्दी चलाओ ना यार, फंसता है यार। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, हम लोग तो उम्मीद ही खो बैठे थे। जी मैं कराची गया हुआ था। बानो बहुत अजीम है, इस मुल्क के लिए बहुत से लोगों ने जान और माल की कुर्बानियां दी, लेकिन जैसी कुर्बानी बानो जैसी लड़कियों ने दी है वो उन सबसे बढ़कर है। वो सालों जुल्म की चक्की में घिसी, उल्टी छुरी से ज़िबा की गई, लेकिन जान न निकली। ये इस अर्ज मुकद्दस को देखने की आस में जिंदा है। यह जो भी इन लड़कियों को लेने के लिए आ रहा है, मैं बस एक ही गुजारिश कर रही हूँ, देखिए इन लड़कियों को हमेशा फूलों की तरह रखिए, इनकी पाकीज़गी पर कभी शक ना कीजिए, इनको और इनके दागों को अपने सीने से लगा लीजिए, क्योंकि ये दाग पाकिस्तान के लिए लगे हैं, जहाँ आज हम सुकून की नींद सो रहे हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आप, लेकिन आप फिक्र ना कीजिए, बानो अपनों में ही जा रही है। बानो की तरह आप उसे बुला दीजिए ना। चलो जी, अच्छा बानो, वो तुम्हें लेने आए हैं। हसन साहब, जिनका तुमने पता दिया था, याद नहीं है तुम्हें? हसन? हाँ हसन, मुझे लेने आया है। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? क्यों वहां के चले गए? हाँ वो बाहर खड़े हैं, चलो आओ मेरे साथ।
क्या हुआ? मैं नहीं जा सकती। क्यों? मैं उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। इस चेहरे पर तो फरिश्तों जैसी मासूमियत है, तुम ये चेहरा क्यों नहीं दिखा सकती? तुम तो इस मुल्क की अजीम बेटी हो, हम सब तुम्हारे कर्जदार हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, घबराओ मत, वो तो तुम्हें बड़े प्यार से लेने आए। हिम्मत करो, उठो, चलो मेरे साथ। चलो मैंने भेजा है बुलवाने को, आती ही होगी। लीजिए वो आदमी।